Hello everyone. So today in this lecture, we are going to discuss gamma decay. In the previous lecture, we have discussed beta decay. In that process, we have already discussed beta minus decay and beta plus decay. So, जब भी रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट होगी उस रेडियो एक्टिविटी के ड्यूरेशन में जब अल्फा डीके होगा तब जो नया डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसके अंदर क्या क्या चेंजेस मिलेंगे हमें। सो अल्फा डीके की हमने स्टडी किया था कि अल्फा डीके मतलब अल्फा पार्टिकल जब बाहर निकलेगा कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से, इसका मतलब कि उस डॉटर न्यूक्लियस के एटोमिक नंबर में और एटोमिक मास नंबर में कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेंगे। सो अल्फा डीके में हमने स्टडी किया था कि जब भी किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से अल्फा डीके होगा तो नए न्यूक्लियस के एटॉमिक नंबर में चेंजेस होगा 2 नंबर का, मतलब एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड एटॉमिक मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। इन द सेम वे जब हमने बीटा डीके स्टार्ट किया था तब बीटा डीके के अंदर 4 अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। तो ये 4 पार्टिकल का हमने बेसिक प्रॉपर्टीज जो था वो सारी बेसिक प्रॉपर्टीज स्टडी की। 2 पार्टिकल का ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, इस ग्रुप के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था कि वो एंटी पार्टिकल्स है। अगर न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की भी बात करें तो ये दोनों भी एंटी पार्टिकल्स है और इस दोनों पार्टिकल को लैब में डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है बिकॉज उसके मास इलेक्ट्रॉन के मास से भी कम है। सेकेंड थिंग कि उसका इंटरेक्शन बाकी के पार्टिकल के साथ बहुत ही कम होगा। सो कम इंटरेक्शन की वजह से हम इसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने बीटा डीके के अंदर भी स्टडी की थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी गामा डीके, गामा रेडिएशंस। सो अगर गामा डीके की बात करें तो किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से गामा रेज का एमिशन, इट मींस कि उस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से गामा डीके हुआ, गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन इज नथिंग बट हाई एनर्जेटिक फोटोन, इतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा। जो फोटोन हमने एक्चुअल में लास्ट चैप्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन देखा था, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल में जब ट्रांजिशन करेगा तब कुछ एनर्जी का एक फोटोन रिलीज करेगा, वो एनर्जी थी उस दोनों एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस। इन द सेम वे जब न्यूक्लियस के अंदर अल्फा या बीटा डीके होगा तब जो नया डॉटर न्यूक्लियस बचेगा वो डॉटर न्यूक्लियस ऑलवेज अपने एक्साइटेड स्टेट में होगा। उसी एक्साइटेड स्टेट वाले डॉटर न्यूक्लियस का जब ट्रांजिशन होगा लोअर एनर्जी स्टेट में तब वो एक एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा और उस एनर्जी की, उस फोटोन की एनर्जी होगी एमईवी की रेंज में। जब हमने प्रीवियसली इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन स्टडी किया था उस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन था इलेक्ट्रॉन होल की रेंज ईवी, बट यहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट स्टडी करेंगे। सो न्यूक्लियस के अंदर जो भी रिएक्शन होंगे उसमें हमें जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी ऑलवेज एमईवी की रेंज में होगा। सो गामा डीके इज, इट इज अ प्रोसेस इन विच गामा रेज आर एमिटेड from the nucleus, nucleus से gamma rays का emission होना। अब जब भी gamma rays बाहर निकलेंगे इसका मतलब कि हमने उसको shortly लिखा है high energetic photon। So उस nucleus से एक photon release होगा जिसकी energy होगी MeV की range में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज, ये रेंज हमें याद रखनी है। अब सेकेंड पॉइंट, जब फोटोन रिलीज होगा सो हमें पता है फोटोन का रेस्ट मास 0 एंड चार्जलेस पार्टिकल, मतलब कि उस न्यूक्लियस से जब भी गामा डीके होगा तो उस न्यूक्लियस के नए जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू के लिए, एज photon has zero rest mass and no charge means neutral, so in daughter nucleus
we don't get any changes in atomic number and mass number. It means कि जो nucleus था X, Z, A, हमें X, Z, A अगेन मिलेगा प्लस गामा रेडिएशन. बट ये जो न्यूक्लियस था, अब जब अल्फा और बीटा डीके होगा तब ऑलरेडी जो नया डॉटर न्यूक्लियस बनेगा वो डॉटर न्यूक्लियस अपने एक्साइटेड स्टेट में होगा. तो ये जो न्यूक्लियस था वो एक्साइटेड स्टेट में है और उसी का ट्रांजिशन होगा ग्राउंड स्टेट में. ये ग्राउंड स्टेट वाला न्यूक्लियस जब ये ट्रांजिशन होगा तब हमें उस प्रोसेस में गामा रेडिएशन मिलेंगे. सो अल्टीमेटली ये चीज यहां से पता चलेगी हमें कि जब भी अल्फा एंड बीटा डीके होगा तब उसके बाद गामा रेडिएशन निकल सकते हैं. सो अल्फा एंड बीटा डीके के बाद गामा रेडिएशन होगा, गामा डीके होगा. इसका मतलब कि जब ऑलरेडी रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, सपोज हमारे पास एक बेसिक एग्जांपल है बीटा डीके का, बीटा माइनस का. जब कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट जब अपने एक्साइटेड स्टेट में होगा और उससे जब बीटा डीके होगा, बीटा माइनस डीके, मतलब उसका एक एक्साइटेड स्टेट में हमें एक उसका डॉटर न्यूक्लियस बनेगा. उसी डॉटर न्यूक्लियस का जब ट्रांजिशन होगा एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तब हमें एक गामा रेडिएशन के फॉर्म में, मतलब एक हाई एनर्जेटिक फोटोन मिलेगा. अब इसका ट्रांजिशन जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन स्टडी किया था, इन द सेम वे न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स होंगे. सो स्टेट्स के अंदर मल्टीपल ट्रांजिशन भी हो सकते हैं. जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के लिए स्टडी किया था कि इलेक्ट्रॉन जब n इज इक्वल टू 3, मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में होगा, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से वो फर्स्ट में आएगा, देन वो ग्राउंड स्टेट. तो ये मल्टीपल ट्रांजिशन भी हो सकते हैं, 3 to 2, 2 to 1 और else 3 to 1 डायरेक्ट भी ट्रांजिशन हो सकता है. तो ड्यू टू मल्टीपल ट्रांजिशन हमें एक ही प्रोसेस के अंदर, एक ही बीटा डीके के अंदर एक से ज्यादा फोटोन भी मिल सकते हैं. सो गामा रेडिएशन कोई भी न्यूक्लियस से बाहर निकल सकते हैं जब उस न्यूक्लियस का ऑलरेडी अल्फा या बीटा डीके हुआ होगा, तब वो जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा वो अपने एक्साइटेड स्टेट में होगा और उसी एक्साइटेड स्टेट वाला डॉटर न्यूक्लियस जब ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करेगा तब हमें गामा रेडिएशन मिलेगा. सो यही चीज याद रखनी है गामा डीके के लिए. सी ये अल्फा एंड बीटा डीके से कैसे ये डिफरेंट होगा. सो जैसे अल्फा और बीटा डीके के अंदर हमने देखा कि उस नए न्यूक्लियस का, डॉटर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर या मास नंबर जो भी चेंजेस होगा वो चेंज हमें गामा डीके में नहीं मिलेगा. मतलब गामा रेडिएशन जब भी बाहर निकलेंगे उस न्यूक्लियस के अंदर कोई भी चेंजेस हमें नहीं मिलेगा, सिर्फ उस न्यूक्लियस का ट्रांजिशन होगा हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट. जब वो ट्रांजिशन होगा तभी हमें उस कंडीशन में गामा रेडिएशन मिलेंगे. तो यही चीज हमें याद रखनी है और इसी के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल हमें याद रखना है कोबाल्ट का, कोबाल्ट टू निकल ट्रांजिशन. जब कोबाल्ट का ट्रांजिशन होगा, मतलब कोबाल्ट के अंदर जब बीटा डीके होगा, बीटा माइनस डीके, तब निकल में ट्रांजिशन होगा. मतलब कि बीटा डीके स्टार्ट हो गया और उसी प्रोसेस में जो डॉटर न्यूक्लियस हमारा बचेगा वो डॉटर न्यूक्लियस अपने हायर एनर्जी स्टेट में होगा. उसी हायर एनर्जी स्टेट वाले न्यूक्लियस का जब ट्रांजिशन होगा ग्राउंड स्टेट में, तब हमें एनर्जी अलग अलग फोटोन्स मिलेंगे अलग अलग एनर्जी के साथ. तो ये एक एग्जाम्पल हमें स्पेशली याद रखना है गामा डीके के लिए. सो ये एक बेसिक इक्वेशन, ये एक बेसिक टर्म हमें याद रखना है. फोटोन हैज जीरो रेस्ट मास एंड नो चार्ज, इसीलिए हमें कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा एटॉमिक नंबर में या फिर मास नंबर के अंदर. तो ये दो पॉइंट हमें याद रखने हैं. अब जो एग्जांपल की हम बात करें कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट के अंदर से जब हमें बीटा डीके होगा तो वो निकल में कन्वर्जन होगा. सो ये एक स्टेट की हम बात करें, कोबाल्ट CO 59 नंबर, कोबाल्ट सॉरी 2760. अब इस कोबाल्ट का जब बीटा माइनस डीके होगा तब इसके अंदर से बीटा माइनस के अंदर क्या होगा कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1. सो इसका ट्रांजिशन हमने बताया इस वाले स्टेट के अंदर बीटा माइनस डीके. सो अगर ये बीटा माइनस डीके होगा
तो हमें यहां से एक नया एलिमेंट मिलेगा, नया डॉटर न्यूक्लियस मिलेगा। उस डॉटर न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंजेस मिलेंगे हमें, तो कोबाल्ट का डायरेक्टली कन्वर्जन होगा निकल में 27 to 28 एंड एटॉमिक मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये निकल हमें मिला यहां से कोबाल्ट टू निकल बीटा डी के ट्रांजिशन में। ये जो डॉटर न्यूक्लियस हमें मिलेगा वो ऑलरेडी अपने एक्साइटेड स्टेट में होगा। अब इस निकल का ट्रांजिशन हमें मल्टीपल ट्रांजिशन मिल सकते हैं, उसी मल्टीपल ट्रांजिशन से हमें फाइनली यहां से एक फोटोन मिलेगा और यहां से एक फोटोन मिलेगा निकल 28 60। तो ये एक चीज हमें याद रखनी है, इस दोनों एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी का हमें फोटोन मिलेगा। वो दोनों हमारी जो एनर्जी होगी वो 1.17 एंड 1.17 एंड 1.33 और जो रेंज हमें मिलेगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल गामा डीके के लिए हमें याद रखना है। अब कोबाल्ट 2760 ये एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जिसके अंदर से बीटा डीके हुआ, बीटा माइनस डीके। जैसे बीटा डीके होगा तो उसका जो एलिमेंट नंबर चेंज होगा, मतलब जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उस डॉटर न्यूक्लियस में क्या चेंजेस मिलेगा हमें, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। तो 27 टू 28 मतलब नया डॉटर न्यूक्लियस मिला हमें निकल। वो जो निकल मिलेगा हमें वो अपने एक्साइटेड स्टेट में होगा, उसी निकल का ट्रांजिशन होगा एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट और हमें उसके साथ गामा रेडिएशन मिलेंगे। सो अगर उस निकल की बात करें तो निकल का ट्रांजिशन होगा पहले एक लेवल टू दूसरे लेवल तक और बाद में वहां से ग्राउंड स्टेट तक। तो मल्टीपल ट्रांजिशन भी डायरेक्टली पॉसिबल हो सकते हैं या फिर डायरेक्टली 3 to 1 भी ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है। तो जितने ट्रांजिशन होंगे उतने हमें उस एनर्जी के डिफरेंस जितना, एनर्जी लेवल के डिफरेंस जितना फोटोन मिलेगा। सो यहां से एक फोटोन रिलीज हुआ, यहां से भी एक फोटोन रिलीज हुआ। जो फोटोन रिलीज होंगे उसकी एनर्जी होगी 1.17 MeV एंड 1.33 MeV। सो इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से रिलीज होगी। सो यहां से जो एनर्जी मिली हमें, ये जो फोटोन मिला उसकी वेवलेंथ मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम एंड एनर्जी मैक्सिमम। इसीलिए गामा रेडिएशन का पेनिट्रेशन पावर सबसे हाई है, मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर, जिसको स्टॉप करने के लिए हमें एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर की थिक आयन शीट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तब जाके हम इस रेडिएशन को स्टॉप कर सकते हैं। तो ये गामा डीके की बेसिक जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, पहले हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो बेसिक प्रॉपर्टीज स्टडी की थी और उसके बाद जो डिटेलिंग हमने स्टडी किया कि गामा डीके कब होगा, किस कंडीशन में होगा, तो गामा रेडिएशन एमिशन उसका एक ही पॉसिबल रीजन हो सकता है, जब किसी न्यूक्लियस से, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से अल्फा या बीटा डीके होगा, उस कंडीशन में जो हमें डॉटर न्यूक्लियस मिलेगा उस डॉटर न्यूक्लियस का अपने एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन, इस स्टेट में हमें गामा रेडिएशन मिलेंगे। ये एक सिंपल डेफिनेशन हमें याद रखनी है और इसका एक सिंपल एग्जाम्पल कोबाल्ट टू निकल कन्वर्जन। तो ये गामा डीके। अब नेक्स्ट और उस चैप्टर का सारा जो थियोरेटिकल पार्ट था वो हमने कंप्लीट किया। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सिंपल जो भी पैरामीटर्स थे न्यूक्लियस के, मतलब आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोमर्स, देन एटॉमिक साइज, न्यूक्लियस की साइज, रेडियस का बेसिक फॉर्मूला R = r0 a^3, देन इम्पोर्टेंट पॉइंट था मास एनर्जी कन्वर्जन E = mc2, देन हमने स्टडी किया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और उसी के बेस से हमने दो अलग अलग प्रोसेस स्टडी की थी डिटेल में, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक था रेडियो एक्टिविटी, जिसके अंदर हमने टोटल 6 थियोरीज कंप्लीट की। रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट किया, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का हमने सिंपल डेरिवेशन किया 3 मार्क्स के लिए, n = n0 e^-λt, देन हाफ लाइफ, देन मीन लाइफ, ये 3 थियोरीज। इसके बाद अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। तो टोटल 6 थियोरीज रेडियो एक्टिविटी के लिए। और ये जो पोर्शन है हमारा 6 थियोरीज का, ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन इस चैप्टर के लिए, बिकॉज नॉर्मली न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज और थ्योरी इसी पोर्शन से बोर्ड एग्जाम में आती है। सो हमें बोर्ड एग्जाम के लिए सारी 6 थियोरीज हमें प्रॉपरली प्रिपेयर करनी है
और इसी के बीच पे हम न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और फर्दर हम एमसीक्यूज भी स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पूरे चैप्टर की रिवाइज समरी करेंगे, उसके बाद उसी रिवाइज समरी के कंसेप्ट से थोड़े एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और बाकी के जो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल से हमारे एनसीईआरटी के वो अभी सॉल्व करने बाकी है, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। सो गामा रेडिएशन, गामा डीके, इसी के साथ एक आध एग्जाम्पल हम अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन के लिए सॉल्व करेंगे। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। So now the next one is NCERT exercise 13.12. Find Q value and kinetic energy of alpha particle in the alpha decay. Given Ra and Rn, radium and radon, ये दोनों nucleus, radioactive nucleus given है। अगर इस radioactive nucleus से alpha decay होगा तो उस process के अंदर हमें Q value and kinetic energy of the alpha particle, ये दोनों quantities हमें calculate करनी है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जिसका हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था अल्फा डीके का जो लेक्चर था हमारा, आई थिंक बिफोर 2-3 लेक्चर्स हमने जब अल्फा डीके स्टार्ट किया था उसी लेक्चर के अंदर हमने स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला भी डिराइव किया था और उसी के साथ एनर्जी का भी फॉर्मूला डिराइव किया था। सो दिस फॉर्मूला इज ए माइनस 4 अपॉन ए इंटू क्यू एल। तो ये एक फॉर्मूला हमें इस न्यूमेरिकल में यूजफुल होगा। सो इसीलिए हमने इसका पूरा डेरिवेशन उस लेक्चर के अंदर प्रूव किया था। अब फर्स्ट वन आर ए, पहले तो इसकी जो बेसिक इक्वेशन बनेगी अल्फा डीके के लिए, इसीलिए हमने जब अल्फा डीके स्टार्ट किया था हमने उस इक्वेशन के अंदर कि जब नया न्यूक्लियस बनेगा डॉटर न्यूक्लियस तो उस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे ये सारे चेंजेस हमने लिखे थे। जब अल्फा डीके होगा तब जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 होगा। सो इसीलिए उस कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आरए 88 226, अब इस न्यूक्लियस के अंदर अगर अल्फा डीके हुआ तो 2Hg4 प्लस एनर्जी रिलीज होगी क्यू, कौन सा नया न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे 88 यहाँ पे 2, सो यहाँ पे जो बचेगा उसका एटॉमिक नंबर होगा 86 एंड मास नंबर डिग्रीज इज बाय 4, सो 226 माइनस 4 मतलब 222, सो 220 वाला हमारे पास एक न्यूक्लियस होगा आरएन। सो ये फर्स्ट कन्वर्जन, अगर ये इक्वेशन आपने प्रॉपरली कंसेप्ट वाइज लिख ली अब इससे सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। So Q value is equal to mass of parent means m of mass of 88 Ra 226 minus mass of Rn 86 222 minus mass of helium 2Hg4 इंटू सी स्क्वायर। सो ये बेसिक इक्वेशन हमने जब अल्फा डीके स्टार्ट किया था तभी हमने ये क्यू वैल्यू का भी पूरा कन्वर्जन देखा था। अब सिर्फ यहाँ पे हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड देन वी गेट द फाइनल आंसर। सो क्यू इज इक्वल टू, सारी वैल्यू आपको क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन के अंदर आपको ये वैल्यूज मास, अल्फा पार्टिकल का मास, प्रोटोन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, ये सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। सिर्फ आपको उस वैल्यू को यहाँ पे प्रॉपरली डेसिमल के साथ सब्स्टिट्यूट करना है और उसके बाद उसका कैलकुलेशन करना है। सो आरए मास ऑफ रेडियम 88 226, सारे मास हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सिर्फ हमें जो मास की रिक्वायरमेंट होगी वो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल भी हमें उस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली दिया गया होगा एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4.00260। अब सारे मास हमारे पास अवेलेबल है, सिर्फ हमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो 226.02540 माइनस आरएन 222 का मास
222.01750 माइनस हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल का मास 4.00260 इंटू सी स्क्वायर। सो ये सिंपल कैलकुलेशन करना है आपको। ये कैलकुलेशन में हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी 0.00053 इंटू, अब जो हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होगी। सो हमने जब मास एनर्जी कन्वर्जन देखा था आइंस्टाइन इक्वेशन, उसी कन्वर्जन के अंदर हमने 1U का कन्वर्जन किया था 931.45 MeV इंटू 931.45 MeV पर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सो अल्टीमेटली हमें सिर्फ 931.45 यहां पे मल्टीप्लाई करना है एंड वी गेट द फाइनल आंसर 4.937 MeV। सो ये क्यू वैल्यू फॉर द फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर आ गए। अब इसी इक्वेशन से हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करने हैं। ए माइनस 4 अपॉन ए इंटू क्यू विच इज इक्वल टू ए माइनस 4। सो ए जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस होगा उसका एटॉमिक मास नंबर 226। सो 226 माइनस 4 अपॉन 226 इंटू क्यू वैल्यू जो हमने यहां से कैलकुलेट की 4.937। सो आपको ये बेसिक कन्वर्जन, बेसिक कैलकुलेशन करना है एंड फाइनली वी गेट 4.85 MeV। सो ये फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमें अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मिलेगी 4.85 MeV। सो ये फर्स्ट कन्वर्जन। इन द सेम वे वी गेट सेकेंड कन्वर्जन। सेकेंड कन्वर्जन पे भी सेम हमें इक्वेशन बनानी है, सिमिलरली क्यू वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसी क्यू वैल्यू के बेसिस पे हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो ये कैलकुलेशन हमें सेकेंड पार्ट के लिए खूब ट्राई करनी है होमवर्क में। सारे मासेस गिवन होंगे, ये फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया है तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है और उसी के बेसिस पे ये पूरा कैलकुलेशन। थैंक यू। सो नेक्स्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पल, सॉरी एक्सरसाइज 13.10। अब जितने भी फॉर्मूलाज हमने रेडियो एक्टिविटी के अंदर हमें डिराइव किए उसी फॉर्मूलाज और उसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। जो एनसीईआरटी के अंदर सॉल्व एग्जाम्पल्स है और जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स है, अब जितने फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए उस फॉर्मूला की अगर हम लिस्ट बनाएं तो हमने रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट किया था, सबसे पहला फॉर्मूला था एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। इसी के बेस पे हमने रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखा था आर इज इक्वल टू आर नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी, आर इज इक्वल टू लैम्डा एन। ये भी एक इक्वेशन थी, ये भी एक इक्वेशन हमने डिराइव की थी। देन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा, देन मीन लाइफ इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा विच इज इक्वल टू, अब टी सॉरी टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। इसी चीज को अगर हम कंपेयर करें तो ये फॉर्मूला होगा हमारा टी हाफ के टर्म में अगर देखें तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू टी हाफ अपॉन 0.693। ये भी एक फॉर्मूला होगा। तो ये इंटर रिलेशन टी हाफ एंड टाउ का। देन अल्फा डीके के अंदर हमने क्यू वैल्यू मास ऑफ एक्स माइनस डॉटर माइनस एमिटेड पार्टिकल इनटू सी स्क्वायर, ये एक सिंपल फॉर्मूला हमने यूज किया था। देन अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन है ए प्लस बी सी प्लस डी, अब ये जो पोर्शन होगा हमारा इसके अंदर से एक्टिविटी होके हमें फाइनली सी प्लस डी मिला, तो ये जो पोर्शन होगा ये हमारा पूरा पेरेंट न्यूक्लियस के पार्ट में होगा और ये यहां से जो हमें मिला बाई रिएक्शन डॉटर न्यूक्लियस के पार्ट में, अगर इस सिचुएशन में अगर हमें क्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्यू वैल्यू का हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन क्या होगा,
तो क्यू वैल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ कैपिटल ए मास ऑफ बी माइनस सी माइनस डी इंटू सी स्क्वायर। तो ये इतने सारे सिंपल रिलेशन हमें याद रखने हैं फ्यूचर रेडियो एक्टिविटी के लिए, यही सारे रिलेशन हम याद रखेंगे एमसीक्यूज के लिए भी। अगर टी हाफ की बात करें तो टी हाफ के लिए एक फॉर्मूला था 0.693 बाई लैम्डा, और डिसइंटीग्रेशन रेट के लिए या फिर इस वाले रिलेशन के लिए हमने एक स्पेशली शॉर्टकट फॉर्मूला जो यूज किया था एन बाई एन नॉट कितने अनडिकेड बाकी 1/2 टी बाई टी हाफ। तो ये सारे रिलेशन हम यूज करेंगे अब नेक्स्ट एमसीक्यूज एंड एक्सरसाइज और शॉर्ट एग्जाम्पल्स सॉल्व करने में। सो फर्स्ट एक्सरसाइज न्यूमेरिकल इज 13.10। द हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रॉन्शियम 3890 इज 28 ईयर्स। व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ 15 mg ऑफ दिस सैंपल दिस आइसोटोप। अब हमें एक सैंपल गिवन है, उस सैंपल का हाफ लाइफ गिवन है 28 ईयर्स। हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ 15 mg, मतलब हमें डिसइंटीग्रेशन रेट मतलब r कैलकुलेट करना है। देन t हाफ we have given 28 years and mass is given as 15 mg. अब हमें रेट कैलकुलेट करना है तो ये एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं या फिर ये एक इक्वेशन। अगर इस वाले इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज करें तो हमें लैम्डा लैम्डा मींस डीके कांस्टेंट, और डीके कांस्टेंट हमें डायरेक्टली टी हाफ से मिलेगा, और एन की वैल्यू मतलब कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस से हमारे पास। सो एक चीज यहां से हम मार्क करें तो एस आर 3890 ये एक हमें सैंपल गिवन है। अगर इस सैंपल को हम यहां से ऑब्जर्व करें तो एक स्टेप हमारे पास होगा कि 90 ग्राम सैंपल के अंदर 6.022 इंटू 10^23 एटम्स होंगे, तो 15 मिलीग्राम सैंपल है हमारे पास। सो 15 इंटू 10^-3 ग्राम सैंपल के अंदर तो हमें यहां से n का कैलकुलेशन मिलेगा। सो n इज इक्वल टू 15 इंटू 10^-3 इंटू 6.022 इंटू 10^23 अपॉन 90। So, यहां से हमें एन का कैलकुलेशन मिलेगा। देन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा। सो यहां से अगर लैम्डा कैलकुलेट करें तो 0.693 बाई टी हाफ ये कैलकुलेशन मिलेगा। सो इस दोनों इक्वेशन को अगर हम यूज करें तो आर इज इक्वल टू लैम्डा एन, डायरेक्टली हमें रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मिल सकता है। सो क्वेश्चन को हमें सबसे पहले कौन सी गिवन क्वांटिटीज है उस क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये चीज हमें क्लिक यहाँ पे क्लिक अगर हुआ कि यही फॉर्मूला यूज करा तो हम सिंपली इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो हमें इक्वेशन ये वाली यूज करनी है आर इज इक्वल टू लैम्डा एन। उस इक्वेशन के अंदर कौन कौन सी चीज हमें पूछी गई है तो आर हमें क्वेश्चन में पूछा है, लैम्डा हमें टी हाफ से मिलेगा, बट एन हमें यहाँ पे नहीं दिया था। सो एन का कैलकुलेशन हम इस सैंपल को जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उस सैंपल से हमें एन का कैलकुलेशन करना है। सो आर इज इक्वल टू लैम्डा एन, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ एंड टी हाफ इज 28 ईयर्स इंटू 3.16 इंटू 10^7 सेकेंड में हमने कन्वर्ट किया ईयर को ईयर्स का सेकेंड में पूरा कन्वर्जन इंटू एन एन का कन्वर्जन डायरेक्टली हम यहां से लिखेंगे 15 इंटू 10^-3 इंटू 6.022 इंटू 10^23 अपॉन 90। सो अगर ये पूरा कैलकुलेशन करें हम तो हमें डायरेक्टली रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मिल सकता है। तो इसी का अगर कैलकुलेशन करें तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 7.877 इंटू 10^10 डेक्वेरल। सो ये एक हमारा फाइनल आंसर। अब इसी चीज को अगर आपको क्यूरी में एक ऐसे अगर अलग यूनिट के अंदर अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है
तो इसी चीज को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका कन्वर्जन हम यहां पे लिखे तो R इज इक्वल टू 7.877 इंटू 10 रेस टू 10 अपॉन 3.7 इंटू 10 रेस टू 10। यहां से जो आंसर मिलेगा वो हमें क्यूरी यूनिट के अंदर मिलेगा। सो फाइनल आंसर इज R इज इक्वल टू 2.13 क्यूरी। ये भी आंसर करेक्ट और बैकवर्ल ये भी आंसर हमारा करेक्ट। सो ये इतने फॉर्मूलास की हमें लिस्ट बनानी है। इस फॉर्मूलास को हम यूज करेंगे नॉर्मली एक्सरसाइज एग्जांपल के न्यूमेरिकल्स में और एमसीक्यूज में। और एक एग्जांपल हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज का 13.10। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट न्यूमेरिकल।